अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आप दोस्तों के साथ बहुत ही सिंपल सा ऑनलाइन अर्निंग का मेथड जो है वो शेयर कर रहा हूँ, जिसमें आप बिल्कुल आसानी के साथ सिंपल से तरीके साथ बिल्कुल फ्री में अर्निंग जो है करेंगे। चाहे आप दुनिया की किसी भी कोने में रहते हैं, यहाँ से आप इस साइड से बिल्कुल फ्री में अर्निंग जो है वो करेंगे, वो भी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। आपको यानी कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं करनी। काम क्या करना है कि आपने यहाँ पे आके बिल्कुल सिंपल से कैप्चाज आपको मिलेंगे, जिनको आप सॉल्व करेंगे और आपको कैप्चाज सॉल्व करने पे फ्री में अर्निंग होगी। तो किस तरह से आपने इस साइट पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है, किस तरह से आपने यहाँ पे आके वर्क करना है और किस तरह से आपने इससे पे आउट वगैरह लेना है, ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। आपने वीडियो को पूरा देख लेना है ताकि आप दोस्तों को यहाँ पर इसकी समझ लग सके। अब जैसे ही आप यहाँ पर आएँगे, आपको यहाँ पर वीडियो की ऑप्शन है उसमें ये साइट का लिंक मिल जाएगा। इस तरह से यहां पे आके आपने ये साइट वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही यहां पे क्लिक करेंगे, आप दोस्तों के सामने इस साइट का मेन डैशबोर्ड जो है वो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहां पे आने के बाद यहां पे देखेंगे, इसने बताया है कैप्चा सॉल्विंग सर्विसेज और यहां पर यह बता रहा है कि 1000 कैप्चा सॉल्व करने पर आपको $1 मिलेगा। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो बहुत ज्यादा बता रहा है, यानी बहुत ज्यादा कैप्चा सॉल्व करने पड़ेंगे तभी अर्निंग होगी। तो भाई यहां पर बिल्कुल आसानी के साथ 2 से 3 मिनट के अंदर आप यहां पे 1000 कैप्चर सॉल्व कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लग जाएंगे और यहां पे सोचिए आप $1 कमा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त सी वेबसाइट है। इसके अलावा इसकी तमाम डिटेल वगैरह यहां पे अवेल है। ठीक है, इसके बाद यहां पे जैसे ही आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, इसकी बाकी की डिटेल्स वगैरह यहां पर आ जाएगी। इसके बाद यहां पर देखें, यह बता रहा है फास्ट ऑनलाइन ऑटो कैप्चर सर्विसेज, यानी इस पर यहां पर एक ऑटो कैप्चर सर्विसेज भी आपको मिलेगी। आप वो भी यूज करके यहां से अच्छी खासी अर्निंग जो है वो कर सकते हैं, जो कि यहां पे मैं आपको वीडियो में इसकी तमाम डिटेल बताऊंगा। आप उसको जरूर जो है यहां पे यूज कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको उससे भी अच्छी खासी अर्निंग होगी। अब यहां पे आपने करना किस तरह से है, अब आपने यहां पे आना है, साइन अप का ऑप्शन आपको यहां पे मिलेगा। जैसे ही यहां पे क्लिक करेंगे, आप दोस्तों के सामने यहां पर ये इसका साइन अप वाला पेज जो है वो आ जाएगा। यहां पर आपने अपना ईमेल एड्रेस ऐड करना है, उसके बाद एक अच्छा सा पासवर्ड ऐड करना है, दोबारा वही पासवर्ड ऐड करने के बाद आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करना और कंटिन्यू के बटन पे आके क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, ये कहेगा कि आपके मेल बॉक्स में इसने एक कोड सेंड किया, वो कोड यहाँ पे इंटर करें। सिंपल, आपने अपने मेल बॉक्स में जाना है, वहाँ से आपने इसको ओपन करना है और यहाँ पे आपको इस तरह से एक वर्ड्स मिलेंगे, यानी यहाँ पे इसने जो कोड सेंड किया होगा वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ से आपने इसको इस तरह से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पर आके इसको इंटर कर देना है, या यहाँ पर आप टेक्स्ट को जो है वो ऐड कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद आप दोस्तों के सामने इस साइट का मेन डैशबोर्ड जो है वो इस से ओपन हो जाएगा। अब यहां पे आने के बाद ये आपको दो ऑप्शन दे रहा है, सबसे पहले वाला आई एम ए कस्टमर और दूसरे वाला आई एम ए वर्कर, कि आप यहां पे एक कस्टमर के तौर पे काम करना चाहते हैं या वर्कर के तौर पे। तो आपने यहां पे वर्कर वाले ऑप्शन पे आके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है, इसको आपने नहीं करना, क्योंकि हमने यहां पर जस्ट अर्निंग करनी है, इसलिए हम यहां पर आके नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आप दोस्तों के सामने यहां पर यह ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। अब यहां पर देखें, सबसे पहले यह फिनांस का ऑप्शन है, उसके बाद रिकॉग्नाइजेशन का है, स्ट्रिक्स का है, उसके अलावा यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। इसके बाद यहाँ पे बैलेंस के ऑप्शन पे आता है, तो यहाँ पे ये यह हमारे पास जो भी यहाँ पे बैलेंस होगा उसका, यहाँ पे पेआउट्स वगैरह का, इसके अलावा यहाँ पे जो भी चीज़ें यानी ट्रांजेक्शन वगैरह का यहाँ पे बताएगा। उसके बाद लास्ट में इसका एफिलिएट प्रोग्राम है। ठीक है, यहाँ पे हमने अभी तक कोई वर्क नहीं किया, इसलिए यहाँ पे हमारे पास साइड पे बैलेंस जो है वो जीरो शो हो रहा है। अब हम यहाँ पे जैसे ही ये चीज़ें कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे ऊपर में आते हैं, तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट अ वर्क, उसके अलावा पे आउट्स है, स्पोर्ट्स है, सॉफ्टवेयर्स है और यहाँ पे ब्लॉग है, वर्कर्स वगैरह है। ठीक है, तमाम ऑप्शन यहाँ पर इसने बताए हुए हैं। अब इसके बाद आप यहाँ पर देखें, ये वर्कर्स सॉफ्टवेयर, यानी आप इन सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं, इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके आप यहाँ पे इससे वर्क जो है वो कर सकते हैं, यानी आप कैप्चाज को सॉल्व जो है कर सकते हैं। यहाँ पे इसने विंडोज़ के भी बताए हुए हैं, इसके अलावा यहाँ पे इसने क्रोम एक्सटेंशन भी यहाँ पे ये बताया हुआ है, यानी ऑटो कैप्चा रीसॉल्व जो है इसने यहाँ पे एक्सटेंशन बताया हुआ है। ठीक है, इनसे भी आपको यूज़ करके इनसे भी आप अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बाकी की डिटेल वगैरह इसने यहाँ पर शेयर की हुई है। अब यहाँ पर अगर स्पोर्ट्स वगैरह में ये बता रहा है, फिर क्यूज़ हैं, उसके अलावा कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है, इसके अलावा यहाँ पर फेसबुक ऐसे ऑप्शन दिया हुआ है, तो
यहाँ पे हमको वर्क किस तरह से करना है, इसके लिए क्या करना होगा। सिंपल यहाँ पे आप आएंगे, आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट अ वर्क का। यहाँ पे देखें ये ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट अ वर्क का, यहाँ पे आके आपने क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आप दोस्तों के सामने नेक्स्ट वाला पेज जो है वो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप आएंगे तो ये कह रहा है कि यहाँ पर आके चेंज दी लैंग्वेज का ऑप्शन दे रहा है कि आप यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इंग्लिश, आपकी ऑलरेडी आ रही होगी, और यहाँ पर साथ में एक एरो का निशान ये वाला नजर आ रहा है। यहाँ पे एरो के निशान पे आप जैसे ही आके क्लिक करेंगे ना, ये जो एरो का निशान है इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मुख्तलिफ लैंग्वेज जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगी, यानी बहुत सारी लैंग्वेज यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। आपकी जो भी लैंग्वेज हो आप यहाँ से सिलेक्ट करके उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लास्ट पे आपने आके क्लिक कर देना आई स्पीक दिस लैंग्वेज, यानी मैं ये लैंग्वेज जो है जानता हूँ, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना और सेव पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप दोस्तों के सामने यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा कि यहाँ पे आके आप अपना वर्क जो है वो स्टार्ट करें। यहाँ पे आपने स्टार्ट के बटन पे आके क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 16 कैप्चाज जो दिए जा रहे हैं जिनको आपने सॉल्व करना है। यहाँ पे ये क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया सबसे पहले वाला कैप्चा यहाँ पे आ चुका है, जिसमें यहाँ पे आपने ये ऊपर नंबर्स लिखे हुए ब्लैक कलर में, इनको आपने यहाँ पर आके ये बॉक्स में इंटर करना है। यानी आपने जैसे ही यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर सेंड आ कैप्चा पर क्लिक करेंगे, सेंड आ इंटर पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका ये कैप्चा सॉल्व हो जाएगा। आप दोस्तों के सामने यहाँ पर नेक्स्ट वाला कैप्चा जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपने इस तरह से जो है वो करते जाना है। यहाँ पे कुछ सेकंड्स नीचे आपको शो हो रहे होंगे, ये सेकंड्स जो हैं इनके अंदर अंदर आपने इस कैप्चा को सॉल्व करना है, यानी ये सेकंड्स खत्म होने से पहले पहले आपने कैप्चा को सॉल्व करना है। अगर आप यहाँ पर इससे पहले करेंगे तो आपका यहाँ पर कैप्चा जो है वो यहाँ पर इंटर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये कैप्चाज कोई मुश्किल नहीं है, आपने सिंपल यहाँ पर आना है, आने के बाद इसी तरह से बिल्कुल आसानी के साथ यहाँ पर हो जाते हैं। मैं दरअसल में यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ तो भी यहाँ पर देख लें, मेरे पास टाइम जो है जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ वो यहाँ पे बिल्कुल टाइम जो है थोड़ा सा टाइम यानी मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, फिर भी अगर आप यहाँ पे इस पर थोड़ा सा वर्क करेंगे ना तो आपका हाथ जो है वो ऑटो यहाँ पे स्पीड पकड़ता जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से जल्द कैप्चर जो है स्पीड से कैप्चर जो है वो यहाँ पर सॉल्व करना शुरू कर देंगे। इसी तरह यहाँ पर आके इस तमाम कैप्चर्स को आपने सॉल्व करते जाना है और आपको यहाँ पर अर्निंग जो है वो होगी। इसके बाद यहाँ पर हम डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद सिंपल आप दोस्तों को यहाँ पर बता देता हूँ इसके पे आउट्स वगैरह का सिस्टम भी यहाँ पे मैं आप दोस्तों को बताऊंगा, ये पे आउट्स वगैरह का सिस्टम, इसके अलावा वर्कर सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप दोस्तों को एक ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है पे आउट्स का, ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है। ये हमारे पास ऑप्शन है पे आउट्स का। यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर चेंज आ वॉलेट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आके आपने क्लिक कर देना है। अब मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखें मेरे सामने पे आउट्स वाले मेथड का ऑप्शन जो है वो आ चुका है। अब यहाँ पे देखें ये बता रहा है कि एक वेब मनी का ऑप्शन है जिस पे ये बता रहा है 0.15 USDT, यानी $0.50 यहाँ पे आप यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर परफेक्ट मनी में भी इतने ये बता रहा है, अगर आप बिटकॉइन में लेते हैं तो यहाँ पर आपको $10 जो है वो लगाना पड़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये एड कैश वगैरह है, इस पर भी यहाँ पर 0.50, इसी तरह यहाँ पर तमाम पे इसी तरह। और अगर आप ये ARTM वगैरह इस पर लगाते हैं तो आपको $1 होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बिटकॉइन कैश वगैरह लगाते हैं तो 0.25 USDT, यानी 0.25 जो है $25 आपके $0.15 जो है वो होने चाहिए, यानी $0.5 से भी कम यहाँ पे वे आउट जो है वो ले सकते हैं। इसके बाद स्पोर्ट्स पे आते हैं, जैसे ही यहाँ पे स्पोर्ट्स पे आएंगे तो यहाँ पे आपको तमाम चीज़ें इसकी मिल जाएंगी, यहाँ से आप चेक इस कैफे क्यूज़ वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर पर आते हैं तो वही वाले जो मैंने आप दोस्तों को बताया यहाँ पर देख लें, रिकोगनाइज यहाँ पर ये एंड्रॉयड है, ऊपर विंडोज़ वाला है, उसके बाद क्रोम एक्सटेंशन है, यहाँ पे टेलीग्राम बोट है, हाउ टू स्टार्ट का ऑप्शन यहाँ पे बताया कि आप किस तरह से ये स्टार्ट कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो कि मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताए हैं वो यहाँ पे आके आप उनको यूज़ करने का तरीका जो है यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन आ रहा है एफिलिएट का, यहाँ पे आपने आके क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे एफिलिएट प्रोग्राम पर आप क्लिक करेंगे आप दोस्तों के सामने ये वाला पेज जो है वो इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं अपने रेफरल लिंक पर क्लिक करता हूँ ना तो मेरे पास कोई रेफरल नहीं है, जस्ट यहाँ पर देखें आप दोस्तों के सामने 0 रेफरल्स मेरे हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, हमने वापस डैशबोर्ड पे आते हैं, आने के बाद यहाँ पे ये रेफरल एफिलिएट वाले लिंक पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे ये नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको यहाँ पे आपका रेफरल लिंक मिल जाएगा, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक के ग्रुप्स और इंस्टाग्राम यानी सोशल मीडिया पर आपने शेयर करना है, तो आप दोस्तों के साथ जितने दोस्त ज्वाइन होंगे आपको उतनी अच्छी ज़्यादा यहाँ से अर्निंग जो है वो होगी। उसके बाद बैनर्स पर आपने क्लिक करना है, अगर आपके पास कोई वेबसाइट वगैरह है उस पर आप इसका जो है एड चलाना चाहते हैं तो सिंपल ये
बैनर्स हैं यहाँ पे, इसके कोडिंग वगैरह दी गई है, आप इस कोडिंग को कॉपी करके अपने जो है वेबसाइट उस पर लगा सकते हैं। तो आपको वीडियो की तमाम समझ लग गई होगी, किस तरह से आपने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है, किस तरह से पे आउट वगैरह लगाना है और किस तरह से वर्क करना है। तो इसको ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।